बाईसाइकिल्स के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ईईपीसी इंडिया की ओर से लुधियाना में एक मीट का आयोजन किया गया, जिसमें ईईपीसी के अधिकारियों ने उद्यमियों को कारोबार को बढ़ाकर एक्सपोर्ट पर जोर देने के लिए प्रोत्साहित किया। इस मौके अधिकारियों ने बताया कि एक्सपोर्ट देश के लिए फौरन सेल लाने में बहुत महत्व रखता है। इस दिशा में इंजीनियरिंग सेगमेंट में बाईसाइकिल बहुत अहम है और लुधियाना बाईसाइकिल्स का हब है। 2017 में दुनिया भर में $9 बिलियन का बाईसाइकिल एक्सपोर्ट था और उसमें भारत का हिस्सा काफी कम था, क्योंकि चीन व ताइवान ने 50% हिस्सा ले लिया है, जिसमें बाकी हिस्सेदार अलग से आ गए हैं। उन्होंने कहा कि बाईसाइकिल्स को देश का जरूरतमंद वर्ग इस्तेमाल करता है और कई राज्यों में इनकी अहम भूमिका है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाला समय ई साइकिल्स का है और इसके लिए टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है। ये देखिए, हम लोग एक्सपोर्ट्स रिलेटेड हैं और आप तो जानते हैं कि एक्सपोर्ट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है देश के लिए, क्योंकि उससे फॉरेन एक्सचेंज आता है। उस रिलेटेड जो डिफरेंट इंजीनियरिंग सेगमेंट्स है, उसमें बाईसाइकिल जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण जगह रखती है। और लुधियाना यहाँ पे बाईसाइकिल का हब है, हमारे देश का बाईसाइकिल का हब है। सारे दुनिया में बाईसाइकिल का एक्सपोर्ट्स होता है अबाउट $9 बिलियन 2017 में। उसमें सिर्फ इंडिया का एक्सपोर्ट अबाउट $500 मिलियन है। पहले हम लोगों का एक्सपोर्ट काफ़ी था, धीरे धीरे वो कम हो रहा है, बिकॉज ये जो $9 बिलियन सारा पृथ्वी का जो एक्सपोर्ट है, उसमें 50% चाइना और ताइवान ने ले ली है। और जो टॉप 15 कंट्रीज़ हैं, जो करीब करीब 90% एक्सपोर्ट करती है, उसमें से कोई भी किसी में इंडिया का जगह नहीं है। 500 मिलियन से कितना और एक्सपोर्ट, कितना जगह होगा। सो ये 9 मिलियन में 50% तो चाइना और ताइवान ने ले लिया, बाकी 13 देश है यूरोप के देश है। हम लोग चाहते हैं कि बाईसाइकिल, जो काफ़ी लेबर इंटेंसिव है, काफ़ी लोग एम्प्लॉय करते हैं, और इसमें हमारे देश के काफ़ी लोग के लिए एम्पावरिंग भी है। आप तो जानते हैं कि काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी बाईसाइकिल बंगाल में, बिहार में बाईसाइकिल यूज़ कर रहे हैं टू एम्पावर वुमेन। सो ये जो महत्वपूर्ण जो बाईसाइकिल की इम्पोर्टेंट रोल है, सिर्फ इकोनॉमिक सिस्टम में नहीं, सोशल सिस्टम में भी, कि वो एम्पावरिंग भी है। और अभी पृथ्वी भी जा रही है एक सस्टेनेबल मोड ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन, जहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स देख रहे हैं और हम लोग अभी ई बाइक्स देख रहे हैं। सो ये काफ़ी एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव भी है एंड देयरफॉर एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है। इसी के लिए इसका कोई अगर कोई टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन हो, हमारे एक्सपोर्टर्स, हमारे जो बाईसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स हैं, सिर्फ बाईसाइकिल नहीं, पार्ट्स मैन्युफैक्चरर भी, उसका दे हैव टू मूव अप द वैल्यू चेन, उसका जो टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज। कितनी देर में ये टेक्नोलॉजी को चेंजेस करना चाहते हैं आप, कितनी देर में हो जाएगा? देखिए, ये डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर। लाइट व्हीकल्स अभी आ गए हैं, सो उसका जो रॉ मटेरियल्स है वो इंडिया में बनती नहीं है, बिकॉज ये एल्युमिनियम की होती है, हिंडाल्को बनाती है, हम लोग इसको इम्पोर्ट नहीं करना चाहते। तो हम लोग देखना चाहते हैं कि ये इंटरवीन हो सकता है कि नहीं। हमारे जो डिफरेंट रिसर्च लेबोरेटरीज है, नेशनल लेबोरेटरीज है, इसको अगर हम इंटरवीन करके ये बना सकते हैं कि नहीं। हम लोग मैक्सिमम अबाउट 2 से 3 साल में कुछ इंटरवेंशन करना चाहते हैं। टोटल एक्सपोर्ट जितने हैं, उसका 25% से ज़्यादा एक्सपोर्ट खाली हमारे इंजीनियरिंग सेक्टर से है। लुधियाना एक ऐसा जगह है जहां इंजीनियरिंग सेक्टर में बहुत काम होता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है बाईसाइकिल इंडस्ट्री, करीब मोर देन $400 मिलियन $400 मिलियन के एक्सपोर्ट यहां से बाईसाइकिल इंडस्ट्री का रिलेटेड होता है। लेकिन कुछ ही दिन में हम लोग देख रहे हैं धीरे धीरे इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कम होते जा रहा है। कारण यह है, चाइनीज बाईसाइकिल्स और अदर कंट्रीज का बाईसाइकिल्स का दाम शायद कम हो रहा है। और सबसे बड़ा समस्या जो है, हमारे बाईसाइकिल का जो स्टैंडर्ड है
और इंटरनेशनल बाइसाइकिल का जो स्टैंडर्ड है ये दोनों में अंतर नजर आ रहा है। इंटरनेशनल बाइसाइकिल स्टैंडर्ड को धीरे धीरे अडॉप्ट करना होगा, हमारे इंडस्ट्री को इंटरनेशनल लेवल में ले जाना है। इसीलिए चाहिए था इस तरह का मीट जहां बाइसाइकिल टेक्नोलॉजी को सुधार के इसके आगे ले जाने का तरीका हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए हम लोग चाइना अभी दो टाइप का चीज है, एक हमारे मुकाबला किसी से नहीं है, हमारे मुकाबला अपने आप से है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो चाइनीज बाइसाइकिल से भी ऊंचा है। आप जर्मन स्टैंडर्ड देखिए या दूसरा स्टैंडर्ड देखिए, तो हम लोग को इसमें लुधियाना को वर्ल्ड लीडर बनाना है। जैसे हम लोग सबसे ऊंचा क्वालिटी का बाइसाइकिल बनाया, प्रॉब्लम चाइना के साथ जो है, चाइना का जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब जितने बाइसाइकिल लोग एक साथ बना सकते हैं हम लोग वो नहीं बना सकते, हमारा उतना बड़ा स्केल है ही नहीं। तो नीचे वाला जो बाइसाइकिल है उसमें चाइना से टक्कर देना बहुत ही मुश्किल है, असंभव हो चाहना हो मुश्किल बहुत है। जागती लड़के लिए लुधियाना से सुंदर ओड़ा की रिपोर्ट।